नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका आप आईएएस के चैनल में। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही प्रोडक्टिव ये जो सेशन है तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी 2018 का प्रीलिम्स का पेपर, वो भी डायरेक्ट हम ऑफिशियल पेपर डिस्कस करने वाले हैं और वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ, है ना। तो इससे जो है तो आपको अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जो ट्रेंड एनालिसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो सकता है फ्रेंड, है ना। और क्योंकि हमें यदि एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो फ्रेंड हमें अपने जो कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके पेपर को एनालाइज करना, है ना, पेपर के ट्रेंड को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी जो है तो आप उस एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से समझ पाओगे और उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से प्रिपरेशन भी कर पाओगे, है ना। अदरवाइज़ तो सिलेबस तो चीज़ें दिखा दी जाती हैं, सिलेबस दे दिए जाते हैं, लेकिन उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। लेकिन यदि हमें हम एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखते हैं तो उनके जो क्वेश्चन के ट्रेंड होते हैं, है ना, तो उससे हमें जो है तो थोड़ा सा ये चीज़ें क्लियर हो जाती है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आते हैं। तो ये हमारा जो 2018 का पेपर है, ये हमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एक प्रकार से मिरर की तरह होगा, है ना, ये हमें रास्ता दिखाएगा। तो जैसे कि अभी प्रीलिम्स 2019 एमपीपीएससी का पेपर भी होने वाले हैं, तो उसके लिए जो है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। तो फ्रेंड, आज हम एमपीपीएससी 2018 का ये आप लोगों के सामने पेपर है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, और जो कि आपके 2019 के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और भी एग्जामों के लिए, एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर ये हो जाएगा, है ना। तो हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ फ्रेंड। तो इस पे से हम चलते हैं क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पास डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम है, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है शाही बुलबुल या कि पैराडाइज फ्लाई कैचर, है ना। आपको ये भी ध्यान देना है पैराडाइज फ्लाई कैचर, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली ही जो है तो उसका इंग्लिश में ही दे दिया जाता है, हिंदी में नहीं होता है, तो इसलिए आपको दोनों में पता होना चाहिए, है ना, कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है शाही बुलबुल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनजीटी का पूरा नाम है, तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य है, है ना, तो इसका डायरेक्ट सीधा आंसर है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये, सिक्किम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्न में से कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है, है ना। तो यदि हम मेट्रोपॉलिटन शहरों की बात करें, है ना, तो मेट्रोपॉलिटन शहरों में मुख्य रूप से दो जो है तो वायु प्रदूषक देखने को मिलते हैं। उन दो वायु प्रदूषकों में से बात करें तो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5 मिलते हैं, है ना, PM 10 मिलते हैं, है ना। मोस्टली आप लोग दिल्ली में ये देख ही रहे होंगे किस प्रकार से पॉल्यूशन का दिल्ली में माहौल है, कि PM 10 PM 2.5 की मात्रा किस प्रकार कितनी ज़्यादा रहती है, है ना। तो बहुत सी समस्याएं लोगों को देखने को मिलती है, आए दिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी आते हैं और भी सब डिस्कस भी, मतलब कि काफ़ी मुद्दा गर्म ही रहता है, है ना। तो यदि हम इसमें से देखें तो इन ऑप्शन में यदि देखा जाए फ्रेंड, तो इनमें से ऑप्शन जैसे कि ये इसमें तो NO2 है, लेकिन ये जो इस क्वेश्चन को जो है तो आयोग ने डिलीट कर दिया है, है ना। तो इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो निम्न में से कौन औषधीय फसल है, है ना। तो इसमें से सीधा सा है कि ये जो है तो घृत कुमार इसका राइट आंसर होगा यानी एलोवेरा, बाकी तो गन्ना का पास में हुए तो ये नॉर्मल वैसी फसलें हैं, है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, है ना। तो मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, है ना। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन प्राय देखने को मिलता रहता है, साइंस के भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इनमें से कौन सा मरुस्थल है, है ना। तो इनमें से जो है तो सिंधु क्षेत्र इसका सही आंसर होगा, है ना। सिंधु क्षेत्र जो है तो ये मरुस्थल स्थल है, इनमें से गंगा असम मध्य भारत के उनमें से, है ना। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसमें, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसका जो सही आंसर होगा वो है 22 अप्रैल को, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, है ना। तो यहाँ पास ध्यान देना है कि कौन सा सुमेलित नहीं सही है, ये हमें ध्यान देना है, है ना। तो इसमें से ये देखते हैं, तो जैसे कि बुक का नाम है, उनके राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं कि द बर्निंग फॉरेस्ट किसकी है, नंदिनी सुंदर की है, तो इसका सही आंसर है। वन इंडियन गर्ल चेतन भगत की है, ये भी सही है। मोस्टली जो है तो इसमें चेतन भगत की जो है तो लॉजिक भी आप इसको समझ सकते हैं कि मोस्टली इस तरह से उनके, मतलब कि वन इंडियन गर्ल इस टाइप से जो है तो उनकी बुक्स के नेम हुआ करते हैं गर्ल वगैरह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि यदि इस पे नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं कि किरण दोषी, है ना, तो ये जो किरण दोषी है तो इसका क्या है, मतलब कि इनकी बुक है जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस, है ना, और
यदि हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं कि आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल्स, तो ये कुणाल बासु लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है तो इसका गलत स्टेटमेंट यहाँ पास है, गलत इसमें ऑप्शन है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा, हमें तो यही देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि डी आंसर जो है तो सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में से इनमें से कौन सी महिला निर्वाचित हुई है ना। तो ये 2017 क्या है, तो 2017 के आंकड़ों में ये जो हुआ था, तो इसका जो सही आंसर था वो है संपतिया उइके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जनवरी 2018 तक भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत अपने नाभिकीय ठिकानों की सूची का कितनी बार आदान प्रदान किया है, जिसमें यह कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो कभी कभी मतलब कि अनप्रडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं कि 2018 तक कितने बार आदान प्रदान, है ना। तो ये थोड़ा सा काफ़ी वैसे जटिल फैक्ट, ज़्यादा ही डायरेक्ट पूछ दिया गया है, तो फिर भी इसका जो आंसर है, तो आयोग ने इसमें मतलब कि सही आंसर इसका है 27, है ना। 27 बार 2018 तक, जनवरी तक, इस प्रकार की नाभिकीय ठिकानों पर जो है तो सूची जो है तो आदान प्रदान की गई थी, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल सिक्का के स्थान पर इन्फोसिस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, है ना। तो इन्फोसिस के जो नए सीईओ हैं वो हैं सलील पारेख, है ना। करंट में भी यही है, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्यों की संख्या कितनी है, है ना। तो वर्तमान में भी IMF के सदस्यों की संख्या है 189, जो कि अभी भी है, 2019 में भी है ना, अभी 189 ही है, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसको कहा जा सकता है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन को जो है तो आयोग ने मतलब कि डिलीट कर दिया है ना। डिलीट क्यों किया है ये भी देखते हैं हम लोग, कि इसमें डिलीट इसलिए कर दिया है क्योंकि यदि हम इनके ऑप्शंस पे ध्यान दें, तो 2013 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश के, तो उसमें जो महिलाएं निर्वाचित हुई थी, है ना, तो जो उनकी संख्या थी तो वो कितनी थी, 31, है ना, 31 थी, जो कि इन ऑप्शंस में नहीं था, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया है। अब यदि हम करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो करंट के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो वर्तमान में लोकसभा मतलब कि वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुए हैं 2018 में, है ना, तो उसमें जो महिलाओं की संख्या, जो निर्वाचित महिलाएँ हैं, तो उसमें हैं उनकी 17 संख्या है ना, 17 MLA मध्य प्रदेश में महिलाएँ बनी हैं, है ना। और उनमें से भी दो जो हैं, दो महिलाएँ कैबिनेट उसमें हैं, है ना, यानी कि वहाँ पास मंत्री के उसमें है, है ना। तो ये आप लोगों के मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, है ना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 2005, है ना, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम मध्य प्रदेश का बात कर रहा है ना, तो वो हो जाएगा 2005। अब वैसे तो आप लोगों को पता ही हो 2003, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तिथि को जेरूसलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी, है ना। तो इसराइल के रूप में मान्यता जो है तो डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, उसकी सही डेट थी 6 दिसंबर 2017 को, है ना। 6 दिसंबर 2017 को उन्होंने यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी, और अपने जो है तो वो भी तेल अवीव से शिफ्ट करके वहाँ पास मतलब कि वो स्थापित कर दिया था, है ना। तो यदि हम इस पे इसी के इसी तरह से यदि क्वेश्चन और भी फ्रेम हो सकते हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन ये भी मतलब कि आप लोग मतलब देख सकते हैं कि जो अभी जैसे 18 नवंबर 2019 के अप्रॉक्स जो है तो वहाँ पास उन्होंने जो है तो अमेरिका ने ही यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट बैंक पर इसराइल की संप्रभुता का समर्थन किया है, है ना। वेस्ट बैंक पर क्योंकि इसराइल की ही मतलब कि क्षेत्र इसराइल वहाँ पास पहले जॉर्डन का भाग था ये, तो 1967 में इसराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था, है ना। तो उसके बाद जो है तो इसमें सॉवरेंटी घोषित कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की, है ना। और वहीं जैसे कि उसमें बात करें तो गोलन हाइट्स पे भी जो है तो अमेरिका ने जो है तो इसराइल की संप्रभुता का समर्थन किया था। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी जो है तो एक प्रकार से फैक्चुअल कह सकते हैं, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है ना। तो उनकी डेट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर, है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक एवं DIPP द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में किन दो राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला है, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा 2016 की जो DIPP रैंकिंग थी, तो उसमें जो सही आंसर है तो वो है डी, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है तो इसमें कारोबार सुगमता रैंकिंग में इनकी अच्छी मतलब टॉप रैंक पे है। यदि हम करंट में बात करें तो करंट सिनेरियो में भी जो आंध्र प्रदेश है तो वो है टॉप रैंक पे है, है ना। आंध्र प्रदेश अब भी मतलब कि टॉप पे ही बना हुआ है, फर्स्ट रैंक पे है, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है जैन, जैन धर्म से कालिका पुराण संबंधित है,
ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह की सार्थवाह भी कहा जाता था, है ना। तो सार्थवाह कहा जाता था, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वैश्य, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो जो सुंगों के पूर्वज हैं तो वो थे कहाँ से, उज्जैन से संबंधित थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो शेर शाह का उत्तराधिकारी था, है ना। तो शेर शाह का उत्तराधिकारी था कौन, इस्लाम शाह, सही आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी, है ना। तो इसकी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी सूरत में, है ना, प्रारंभिक दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मोस्टली जो है तो ज़्यादा प्रेसिडेंसी जो है तो सूरत पे ही बनाए थे, है ना, जैसे फ्रांस ने भी बनाया था, है ना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यानी कि द ब्रिटिश एम्पायर इज़ रोटन टू द कोर, करप्ट इन एवरी डायरेक्शंस एंड ट्रैनिकल एंड मीन, यानी ये जो स्टेटमेंट है तो वो है सिस्टर निवेदिता का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हु कॉइन द स्लोगन क्वाइट इंडिया, है ना, यानी कि जो इसमें इसका जो यदि हम सही आंसर की बात करें भारत छोड़ो आंदोलन का, तो इसका सही मतलब कि ये नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, है ना। तो इसका सीधा से डायरेक्ट आंसर है एम विश्वेश्वरैया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है चरण पादुका नरसंहार को, है ना। यदि हम चरण पादुका नरसंहार की बात करें तो इसमें से ये जो चरण पादुका नरसंहार, इसको क्यों कहा जाता है जलियांवाला बाग से, इसकी तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि क्या हुआ था कि 14 जनवरी 1931 को, है ना, 14 जनवरी 1931, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। ये डायरेक्ट डायरेक्ट के मतलब प्रीवियस MPPSC के क्वेश्चन से पूछ भी दिए गए थे, है ना। तो 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन क्या हुआ था कि ये चरण पादुका जो है तो ये कस्बा है, किसका जो है तो ये छतरपुर जिला का कस्बा ये है चरण पादुका। तो यहाँ पास क्या होता है कि एक आम सभा मतलब कि हो रही थी लोगों की, है ना, उस समय आंदोलन की जब मांग चल रही मतलब कि आज़ादी की मांग चल रही थी, तो आंदोलन वगैरह हो रहे थे, तो उसमें से जो है तो एक सभा थी, है ना, यहाँ पास चरण पादुका कस्बा में आम सभा हो रही थी। तो उसमें से क्या हुआ कि सेना ने जिस प्रकार से जलियांवाला बाग में जो है तो चारों तरफ से घेर करके फायरिंग कर दिया था, तो वहाँ पास भी इसी तरह की घटना देखने को हुई थी, है ना। वहाँ पास क्या किया था कि सेना ने पूरी मतलब कि जो सभा थी उसको चारों तरफ से घेर लिया था और गोलियाँ बरसाना शुरू कर दिए थे। उसमें से क्या हुआ था कि लगभग लगभग 21 लोग मारे गए थे, है ना, और वहीं 26 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसीलिए जो है तो इसकी तुलना की जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, है ना, चरण पादुका नरसंहार की। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत की सबसे लंबी नदी है, ना। तो भारत की सबसे लंबी नदी, इसका जो सही आंसर होगा वो है गंगा, है ना। अप्रॉक्स 2525 किलोमीटर इसकी जो है तो लंबाई है ना। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है ना। तो भारत की जो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी की बात करें तो उसका सही आंसर होगा कार्डमम, है ना। कार्डमम जो है तो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी भारत की है ना। और यदि हम देखें कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश जो है तो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को छूता है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है ना। तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन, इसका जो सही आंसर होगा वो है गोदावरी बेसिन, है ना। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक जल डमरू मध्य किन के मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा भारत और श्रीलंका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है, ये कहाँ होती है। तो ये ITCZ तो सिंपल सी बात है, भूमध्य रेखा पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, है ना। तो आपको पता ही होगा कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है ना। तो नेपानगर का जो संबंध है वो है अखबारी कागज के लिए, है ना, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है, है ना। तो इस पे से देखें, ये मैपिंग वाला क्वेश्चन आ गया था डायरेक्टली, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है जबलपुर, है ना। जबलपुर जो है तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उसके निकटतम स्थित है मध्य प्रदेश का। यदि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मध्य प्रदेश के भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो भावांतर भुगतान योजना आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी चर्चित योजना रही है ना मध्य प्रदेश सरकार की।
काफ़ी मतलब कि किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके, जैसे कि MSP से जो कुछ कम दाम में यदि किसानों की जो फसल है या कुछ खाद्यान्न बिकते हैं, है ना, तो उसमें से जितनी कम होगी तो उसका जो भुगतान है तो वो सरकार करती है। ये कहते हैं कि भावांतर, भावांतर का संदर्भ भी निकलता है कि भाव में जो अंतर आएगा, है ना, तो उसका भुगतान करना है। तो इसीलिए जो है भावांतर भुगतान योजना है, तो उसकी जो है किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये अच्छी योजना भी रही है ना। तो इसका जो संबंध है तो वो है कृषि क्षेत्र से, है ना, कृषि से संबंधित है भावांतर भुगतान योजना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल BSF के पास किन देशों की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश, है ना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस सॉरी ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल इसमें से कौन से नहीं रहे, यदि हम ऑप्शन पे देखते हैं तो जस्टिस ND ओझा ये तो रह चुके हैं, है ना, जस्टिस PV दीक्षित ये भी थे, लेकिन जस्टिस GD दीक्षित जो है ये नहीं थे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन नहीं थे ये बोला गया है, तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो है आंसर सी, बाकी जस्टिस GP सिंह भी थे, है ना। तो यानी कि इसमें से जस्टिस GD दीक्षित जो है तो ये नहीं थे कार्यवाहक राज्यपाल मध्य प्रदेश के, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विषांतकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 213, है ना। पता ही होगा कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो है तो Article 213 में कहा गया है। वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए 123 है, 123 है ना ऑर्डिनेंस के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011-12, है ना, वर्ष 2000 हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011-12 से 15-16 तक मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP में वृद्धि दर रही है ना। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया है ना, क्योंकि इसका जो 2011-12 की बात करें तो इसकी जो सकल घरेलू उत्पाद की जो GDP वृद्धि दर थी तो अप्रॉक्स वो 12% थी, है ना। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये देखें तो यदि हम इसी को इस पर वर्तमान उस पर इसको देखा जाए, है ना, कि GSDP की सकल वृद्धि दर के हिसाब से यदि इसी क्वेश्चन पर हम देखें तो यदि हम देखें कि 2016-17 है तो उसमें ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो GSDP है तो उस पर जो यदि हम टॉप उस पर बात करें तो टॉप ग्रोइंग स्टेट जो है तो वो है कौन, महाराष्ट्र है, है ना। GSDP टॉप में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जो इसके यदि हम इकोनॉमी की बात करें तो इसका जो GDP है, GSDP है महाराष्ट्र की, वो पूरे देश की GDP के अप्रॉक्स 14.69% शेयर करती है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा इसकी जो है तो GDP शेयर करती है पूरे देश जो है तो महाराष्ट्र की। वहीं हम सेकंड नंबर पर बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु की GDP पूरे भारत की GDP का 8.27% है ना। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश इसमें GSDP यानी कि जो GSDP की बात करें तो इसकी जो शेयरिंग की बात करें तो बड़े नंबर पे जो रैंकिंग में आता है तो 10वें नंबर पे आता है, 10वां बड़ा जो है तो GDP के हिसाब से जो है तो मध्य प्रदेश स्टेट है पूरे देश में, है ना। यदि इसकी हम GSDP की बात करें शेयरिंग कितनी है पूरे राष्ट्र की GDP से तो उसकी शेयरिंग है 4.26%, है ना। ये तो मध्य प्रदेश के हम इकोनॉमी की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है तो वो है 9.62 लाख करोड़ के, उस पर जो है तो मध्य प्रदेश की पूरी इकोनॉमी है ना GDP पे। वहीं यदि हम और भी कुछ मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक से रिलेटेड जो है तो फैक्ट पे ध्यान दें करंट के, तो इस पे देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो है तो करंट में जो है तो थर्ड बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट मध्य प्रदेश है ना। ये जो है तो 2000 यदि हम बात करें तो ये आंकड़ा जो है तो हाल ही के हैं। इसमें से जो यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश तो थर्ड है, लेकिन यदि हम फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट जो सबसे टॉप ग्रोइंग स्टेट है वो है कर्नाटका, है ना। कर्नाटका जो है तो सबसे मतलब कि सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला स्टेट करंट में है। वहीं सेकंड नंबर पर आता है केरला, है ना, सेकंड केरला है, और थर्ड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। तो ये अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया, है ना। तो संसदीय सचिव का पद जो है तो पहली बार सृजित किया गया था 1951 को, इसका सही आंसर होगा, है ना। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के भारतीय संविधान का आर्टिकल दिए हुए हैं और ये संबंधित राज्य किस राज्य से संबंधित है। वैसे भी पता है कि 371 के जो आर्टिकल है तो 371 में जो है तो स्पेशल प्रोविजन राज्यों को दिए गए हैं, है ना, तो उन्हीं से संबंधित ये जो आर्टिकल है तो इन पे देखते हैं कि इनके जो है तो सही जोड़ी मैच कराने की बात की गई। 371 का, है ना, 371 का में किसके लिए प्रावधान है, नागालैंड के लिए, ये इसका सही है। 371 खा ये असम से संबंधित है, ये भी सही है। 371 का यहाँ पास मेघालय दिया गया है, यानी कि ये रॉन्ग इसकी मैचिंग है, क्योंकि ये जो 371 गा की बात करें तो ये मणिपुर से संबंधित है, है ना। बाकी 371 गा ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये सही है, यानी इसका सही आंसर होगा सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है ना। तो
लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए यदि हम आरक्षित स्थानों की संख्या की बात करें तो लोकसभा में जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटा है वो है 84। इसका सही आंसर डी होगा। यदि हम और भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन और भी कुछ बन सकते हैं तो इस पर ये देखें तो लोकसभा में ही ये अनुसूचित जाति के लिए हो गए। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित हैं 47 सीटें, है ना। और वहीं एससी के लिए कितनी थी, 84 सीटें आरक्षित थी। अब यदि हम बात करें कि इसी में से यदि इसी तरह के कोटे की और बात करें तो इसमें से यदि हम मध्य प्रदेश पे चलते हैं तो मध्य प्रदेश में देखते हैं कि लोकसभा के लिए कितनी अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश में जो लोकसभा के लिए जो सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए वो 4 सीटें आरक्षित की गई हैं, है ना, मध्य प्रदेश में। वहीं यदि हम अनुसूचित जनजाति के लिए बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो वो है 6 सीटें आरक्षित की गई हैं लोकसभा सीटें, है ना, मध्य प्रदेश में। यदि अब हम और भी यदि बात करें मध्य प्रदेश में ही, तो मध्य प्रदेश में यदि एमएलए के लिए बात करें कि विधानसभा चुनाव के लिए जो एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो एससी के लिए मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए 35 सीटें आरक्षित की गई हैं, है ना। वहीं यदि हम एसटी की बात करें तो एसटी के लिए विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो वो हैं 47 सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है। तो ये भी डाटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको भी मतलब कि ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, है ना। तो चलते हैं, तो ये भी है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन संबंधित है और ये राज्यों की सूची है। तो इसमें से जैसे कि आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश 18 इसमें बताया गया कि राज्यों की संख्या इसमें से है, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है, है ना। यदि हम बात करें तो बिफोर 2014, 2014 के पहले देखें तो 2014 के पहले जो राज्यसभा सीटें आंध्र प्रदेश में थी 18 थी, वो सही था। लेकिन जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो वो जो है तो 7 राज्यसभा सीटें लेकर के अलग हुआ, ठीक है। तो फिर आंध्र प्रदेश के पास कितनी सीटें बची, 11 सीटें राज्यसभा की बची। इसलिए आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें आरक्षित हैं, वहाँ पास कोटा है, और 7 सीटें जो है तेलंगाना में है, यानी ये इसका आंसर सही नहीं होगा, है ना। यानी कि इसमें देखें तो इसका ऑप्शन ए सही है। वहीं उड़ीसा में 10 राज्यसभा सीटें, ये सही है। तमिलनाडु में भी 18 राज्यसभा सीटें, ये भी सही है। और महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सीटें हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई, है ना। तो यदि हम इस क्वेश्चन पे देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 1957, 1957 को जो है तो इसकी स्थापना की गई थी, है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एन पाशंट किस खेल से संबंधित है, है ना। तो एन पाशंट जो है तो संबंधित है किससे, शतरंज से, है ना, चेस से। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, है ना। तो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है विश्वनाथ आनंद को, है ना, विश्वनाथन आनंद को। यश, अब यदि हम देखें तो इसी से संबंधित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। तो यदि हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसमें से जो 2019 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, तो 2019 पे देखते हैं तो 2019 में दिए गए हैं 2 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, है ना। वो 2 लोग कौन हैं, पहली हैं दीपा मलिक, है ना, दीपा मलिक को पहला मतलब कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, यह है पैरा एथलीट, है ना। और वहीं नेक्स्ट जो दूसरा दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो वो दिया गया है बजरंग पूनिया को, है ना, बजरंग पूनिया को। यह है रेस्लिंग में जो है तो ये करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ये भी मतलब कि याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि लिब्रो किस खेल से संबंधित है, है ना। तो यदि हम लिब्रो की बात करें तो लिब्रो जो है तो किससे संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित है, है ना। ये भी जो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जो खेल से संबंधित जो क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि कौन से शब्द किससे मतलब कि शब्द जो है तो गेम में जो जो प्रयोग होते हैं तो वो किससे बोले प्रयोग किए जाते हैं, है ना। तो ये भी चीज़ मतलब कि आप लोगों को मतलब कि पढ़ना चाहिए इसमें से, है ना, इसके जो कीवर्ड होते हैं गेम के, कौन से रूल कैसे क्या है ना, उसमें क्या बोला जाता है। साथ ही साथ इसके जो फैक्चुअल क्वेश्चन कि इसकी डिस्टेंस कितनी, पिच की लंबाई कितनी है, है ना, बॉल का जो क्रिकेट की बॉल होती है उसका वजन कितना है, है ना, बैट की लंबाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है तो एमपीपीसीएस के स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। साथ ही स्टेडियम वगैरह भी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, इनकी लोकेशन वगैरह, तो इसको भी आप लोग तैयार रखिएगा। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे, है ना। तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहली बार, यदि ऑप्शन पे देखते हैं, ओ एम नाम्बियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, बीबी भागवत, है ना। यानी कि इसके 3 लोगों को जो है तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा उपर्युक्त सभी, है ना। वही हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है, है ना। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ दिया है मैराथन रेस की, है ना, दूरी। तो मैराथन रेस की इसकी डिस्टेंस की बात करें तो उसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस होगी 26 मील 285 गज। इसका सही आंसर होगा सी, है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से है कि किस
भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है ना। तो इन ऑप्शंस पे यदि देखते हैं तो इसमें से है, इसका सही आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने जो है तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि 29 सितंबर या 29 अगस्त, इसमें से कंफ्यूज होने की जरूरत, क्योंकि 29 29 दे दिया है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा 29 अगस्त, है ना। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इसका सही आंसर सी होगा। ये तो मेजर ध्यानचंद जी का भी जन्मतिथि है, इसी को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री सभी प्रदत्त किए गए हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद को ये पूरे मतलब कि अवार्ड मिले हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है, है ना। तो मध्य प्रदेश की कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं, इन ऑप्शन में देखते हैं तो वो है चंबल घाटी। चंबल घाटी भ्रंश घाटी नहीं है, है ना। बाकी ताप्ती, नर्मदा, सोन, ये तो भ्रंश घाटी है ही, है ना, को पता ही वही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। तो इस पर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट किया है, है ना। डिलीट किया क्योंकि यहाँ पास यदि हम बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश की जो सर्वोच्च शिखर की बात करें, धूपगढ़ की जो ऊंचाई है तो है 1352 मीटर, है ना। लेकिन इस पे से यदि हम इनके ऑप्शंस की बात करें, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है तो महादेव पहाड़ी सतपुड़ा रेंज में है, है ना। तो इस पे से ये दोनों चीज़ें, तो इसको जो है तो जो आयोग ने इसको डिलीट कर दिया है, इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया है, है ना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, है ना। तो हम देखते हैं कि कौन सी नदी में से चंबल में नहीं मिलती है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि छिप्रा, कालीसिंध, है ना, और पार्वती, ये तीनों नदी तो चंबल में मिलती हैं, है ना। लेकिन जो बेतवा नदी है ये चंबल में नहीं मिलती है, इसका सही आंसर होगा सी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है, है ना। तो यदि हम इसके सही ऑप्शन पर चलते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा झाबुआ, है ना। झाबुआ जो है तो गुजरात और राजस्थान राज्य की सीमाओं को छूता है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जलवायु है, है ना। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है, सीधा सा क्वेश्चन है, है ना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है, है ना। तो यदि मलाज खंड की बात करें, काफ़ी फेमस है भी, है ना, ये तांबा के लिए फेमस है, ये खनिज उत्पादन के लिए, है ना। तो ये मलाज खंड संबंधित हो गया, इसका आंसर बी सही है, है ना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो फ्रेंड, यदि हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो है अलीराजपुर जिला, है ना। ये जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत के दृष्टिकोण से है अलीराजपुर, है ना। लेकिन यदि हम बात करें कि जनजातीय जनसंख्या वाला सबसे ज़्यादा, मतलब कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है एमपी में, तो वो है, तब फिर आंसर चेंज हो जाएगा और उसका हो जाएगा सही आंसर धार। धार जिला जनसंख्या की दृष्टि से ज़्यादा है, और जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो वो है अलीराजपुर सही आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरी महल किसने बनवाया था, है ना। तो ये तो मतलब कि इसका जो सीधा ही इसका क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो गुजरी महल जो बनवाया था वो है मानसिंह, इसका सही आंसर है, है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है, है ना। तो ये हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट राजमार्ग की ही उसे मैपिंग से डायरेक्ट पूछ दिया गया है, हाँ। तो इस पर हम देखते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा तो है सुजालपुर। सुजालपुर जो है तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है, बाकी सेंधवा, महुआ, सारंगपुर ये स्थित है, है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मध्य प्रदेश के 2017-18 के बजट में AMRUT यानी अमृत अटल मिशन रेजुमिनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो इसमें जो है तो अमृत मिशन जो 2016-17-18 की बात करते हैं, तो इसमें जो मध्य प्रदेश में उसमें देखते हैं कि उसमें मध्य प्रदेश में इसके लिए कितना बजट में प्रावधान किया गया था, कितना जो राशि आवंटित की गई थी, तो इसका जो सही आंसर था वो है 700 करोड़, है ना, अमृत के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, है ना। तो इस पे तो इसका जो सही आंसर होगा तो उसका सही आंसर है डिंडोरी, है ना। डिंडोरी में 1000 से अधिक जनसंख्या, इन ऑप्शंस की बात करते हैं। लेकिन यदि और हम अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ही यदि बात करें कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला कौन सा जिला है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला मध्य प्रदेश का है बालाघाट, है ना। बालाघाट में जो है तो लिंगानुपात मध्य प्रदेश में 1021 प्रति 1000, है ना, यानी कि 1021 महिलाएं 1000 पुरुषों में से हैं, है ना, बालाघाट में। वहीं यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड, है ना। भिंड में जो यदि हम बात करते हैं तो उसमें वहाँ पास 837 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में से हैं, है ना, यानी कि हम यहाँ पास देख सकते हैं कितना कम है, है ना। तो ये भी जो है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं, है ना। ये ध्यान देना है कौन नहीं रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। तो इसमें से हम ऑप्शंस पे चलते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं कि आरपी नाइक,
ये मुख्य सचिव रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, बीके दुबे ये भी रह चुके हैं, आरएस खन्ना ये भी रह चुके हैं, लेकिन पीके नरोन्हा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं, है ना। तो इसका ये सही आंसर हो गया। वहीं हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है, है ना। उसमें वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया था, इसका सही आंसर होगा IFAD, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई, है ना। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है 2010-11 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष से लागू की गई है, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 2016 से। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया है, है ना। तो ये तो इस करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो ये तो करंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2019 के करंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। लेकिन आपको ट्रेंड पता हो जाता है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो MP फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव जो है तो 2018 में आयोजित की गई थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है इंदौर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया, है ना। तो अब देख सकते हैं कि अटल ज्योति योजना 2013 का क्वेश्चन पूछा गया कि उसमें कितने घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 10 घंटे, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गए हैं, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है कंप्यूटर से, है ना। डायरेक्ट यहाँ पास मतलब कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, है ना, वेब सर्च इंजन, इस टाइप के वायरस वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन जो है तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ देते हैं, वही बिट बाइट KB, है ना, GB, है ना, इनसे रैंड रोम रीड, इस टाइप से क्वेश्चन जो है तो इसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पास हम लोग इसमें देख भी सकते हैं कि जो है तो थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ जो है तो काफ़ी इसके जो कंप्यूटर क्वेश्चन वो टैकल किए जा सकते हैं, है ना। तो देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी श्रृंखला को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, है ना, इसे क्या कहा जाता है, है ना। तो इसमें से यदि हम देखते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, ये WWW जो है तो इसका मतलब सही आंसर होगा। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है होम पेज, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी खेल और मनोरंजन ये जो सुविधाएं इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। तो वो कौन प्रदान करता है, तो वो है पोर्टल, इसका सही आंसर होगा बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है, है ना। अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो है स्पैम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसको क्या कहा जाता है, है ना। तो उसका जो सही आंसर होगा वो है वायरस, है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। यदि हम इनके ऑप्शंस पे देखते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन कौन से आवश्यक फैक्ट होते हैं ये पता होना चाहिए, जैसे कि वीडियो कैमरा है, है ना, डिस्प्ले डिवाइस ये भी सही है, माइक्रोफोन ये भी सही है, लेकिन इसका जो टेलीफोन है, है ना, ऑप्शन नंबर सी, तो ये है गलत है, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएँ हैं, है ना। तो साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताओं की बात की जाए तो वो है, इसका ऑप्शन सही होगा बी, यानी अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के शिकार अनभिज्ञता, यानी कि वो इस पे मतलब कि जो अपराधी होगा कंप्यूटर पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो दक्ष है, निपुण है, साथ ही साथ जो अनभिज्ञ प्रौद्योगिकी से जो अनभिज्ञ हैं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से उनके लिए भी इस प्रकार से साइबर अपराध के उनके लिए एक प्रकार से ज़्यादा वो वल्नरेबल हो जाते हैं, है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस शब्द का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर के वेबसाइट को विकृत करता है, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हैकर नहीं बल्कि क्रैकर, है ना, क्रैकर का ये वो है, है ना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वेबसाइट, है ना, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात की बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डिनाइल ऑफ सर्विस अटॉक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि SC ST Act से रिलेटेड क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपके
प्रीलिम्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, SC ST एक्ट है ना 1989 है ना, सिविल जो अपना एक्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, वहीं ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ये तो इससे भी क्वेश्चन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पिछले साल बने थे, तो ये भी जो है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि हम जो तो अपना एक अलग से वीडियो इसके लिए जो तो काफ़ी जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे तो उसको हम लोग अलग से वीडियो पे जो तो उसको बनाया जाएगा है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं किस प्रकार से जो तो आप समझ सकते हैं कि SC ST से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना, धारा से रिलेटेड डायरेक्ट फैक्ट्स में पूछ दिए जाते हैं है ना। तो इसके लिए जो प्रिपरेशन के लिए भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना। तो फ्रेंड इसमें से हम लोग यहाँ पास पहले देखते हैं कि SC ST एक्ट 1989, थोड़ा सा इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो SC ST एक्ट है ना 1989, तो हालांकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी हाल ही में अमेंडमेंट भी हुए हैं है ना, तो इससे रिलेटेड जो है तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी मतलब अपडेट के साथ जो है तो इसमें पूरा वीडियो इसमें बनाएंगे है ना, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम चलते हैं इसमें देखते हैं कि SC ST एक्ट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड के जाने का प्रयास करेंगे। तो इसे देखते हैं, तो राष्ट्रपति का अनुमोदन, राष्ट्रपति की अनुमति इस एक्ट के लिए कब मिली थी, वो डेट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, 11 सितंबर 1989 है ना, 11 सितंबर 1989 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी इसके लिए है ना, SC ST एक्ट के लिए। वहीं इसकी यदि हम इम्प्लीमेंटेशन की डेट या पे ध्यान दें तो 30 जनवरी 1990 है ना, ये दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है दोनों अलग अलग संदर्भ में, कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए मतलब कि कब मिली थी, तो 11 सितंबर 1989 को, और ये लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 से है ना, SC ST एक्ट 1989 है ना। अब यदि हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं तो ये क्वेश्चन कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है ना। तो यदि हम इस पे देखते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा धारा 2 खा गा में है ना, ये जो है तो परिभाषित किया गया आर्थिक बहिष्कार को। वहीं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के निम्न में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा धारा 18 के तहत जो है तो अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित किया गया है ना, यानी कि इस एक्ट के अधीन किया गया है कि अपराध पर जो ये मतलब कि इस एक्ट के तहत इस धारा में बताया गया है कि अपराध के तहत जो CRPC की धारा 438 है ना, 438 है, तो वो इस पर लागू नहीं होगी है ना। धारा 438 की बात करते हैं तो धारा 438 CRPC की क्या कहती है, तो उस पर यदि हम देखें तो CRPC की धारा 438 ये कहती है कि इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान है ना, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति को ये आशंका होती है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा है ना, तो वो यानी कि गैर जमानती अपराध के लिए उसे यदि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसे ऐसी आशंका हो जाती है पहले ही, तो गिरफ्तारी के पहले वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि वो या तो सत्र न्यायालय पे जा सकता है या कि हाई कोर्ट पे जा करके अपनी इसी धारा 438 के तहत जो है तो जमानत के लिए जो है तो आवेदन डाल कर सकता है ना, अप्लीकेशन लगा सकता है, और उसे फिर जो है तो अग्रिम जमानत मिल जाती है जाँच के बाद, कि विश्वास हो जाता है कि उसको मतलब कि कोर्ट को कि ये तो पूरा मतलब कि सहयोग करेगा उसके लिए है ना, तो जो तो इसके लिए अग्रिम जमानत मिल जाती है। तो 438 जो अग्रिम जमानत का ये CRPC के तहत है, तो ये जो SC ST एक्ट है ना, तो इसमें धारा 18 जो है तो इसके लिए मतलब कि इसको जो है तो इस पर इंप्लीमेंट नहीं करती है, यानी कि 438 के तहत आप अग्रिम जमानत नहीं ले सकते, यानी कि ये गैर जमानती अपराध इसमें मतलब कि बताया गया है, तो धारा 18 के तहत जो है तो अग्रिम जमानत को प्रतिबंध किया गया है ना। वहीं इसके लिए हम और उस पर ध्यान दें तो SC ST एक्ट 1989 की धारा 22 पे यदि हम ध्यान दें तो धारा 22 क्या कहती है, धारा 22 कहती है कि सद्भावना पूर्वक की कार्यवाही पर संरक्षण मिलेगा है ना, यानी कि कोई अधिकारी है यदि उसका मतलब कि वो सद्भावना पूर्वक यानी कि अच्छी नीयत से मतलब कि कोई कार्यवाही करता है उस पर है ना, तो उसके लिए कुछ मतलब के संरक्षण भी है ना इस एक्ट में, ये धारा 22 के तहत दिया गया है। वहीं यदि हम अन्य धारा 20 की बात करते हैं तो धारा 20 में क्या कहा गया कि ये जो एक्ट है तो अन्य विधियों पर भी उसी प्रकार से प्रभावी होगा है ना, जैसे कि जैसे रूढ़ी वगैरह है या प्रथा है, तो इनमें भी जो है तो ये एक्ट इंप्लीमेंट होगा धारा 20 के तहत, इसको और एक्सटेंड करती है, इसके दायरे को व्यापक बनाती है धारा 20 है ना। वहीं यदि हम धारा 16 की बात करते हैं तो SC ST एक्ट की धारा जो 16 कहती है कि राज्य सरकार की एक प्रकार से राज्य सरकार को अधिकार को सामूहिक जमाना जो जुर्माना है वो लगा सकती है किसी भी अपराध पर है ना, ये जो है तो सामूहिक जुर्माना के लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट धारा हो जाती है, डायरेक्ट सीधे फैक्ट की तरह पूछ दिया जाता है ना, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति जनजाति, तो हम इस पे देखते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति नियम 1995 के निम्न में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है ना, वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है, तो इसका जो ये क्वेश्चन है तो इसको आयोग ने क्या किया, डिलीट कर दिया है ना। इसका जो सही आंसर होगा तो धारा 23 इसका सही आंसर था है ना, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति नियम 1995 क्या था, तो इस पर हम देखते हैं तो यदि इसके हम बैकग्राउंड पे चलते हैं तो क्या हुआ था कि इस पे जो है तो 31 मार्च, तो इस पे यदि हम लोग देखें तो केंद्र सरकार ने
है ना, केंद्र सरकार ने क्या किया था कि 31 मार्च 1995, है ना, 31 मार्च 1995 को क्या किया था केंद्र सरकार ने, SC ST Act 1989, है ना, SC ST Act 1989 की धारा 23, है ना, धारा 23 की उपधारा के अंतर्गत क्या किया था कि SC ST Act 1995 का रूल ये बनाया था, है ना, कौन सी धारा के तहत, धारा 23, 1989 की धारा 23 के अंतर्गत इसे बनाया गया था, है ना, ये जो हमारा SC ST जो ये रूल है ना, 31 मार्च 1995 को। अब यदि हम इस पर देखते हैं तो ये तो बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, 1995। तो इसको यदि हम मध्य प्रदेश पे बात करते हैं तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मध्य प्रदेश ने इसको कब, मतलब कि अपने यहाँ प्रभावी किया था, तो मध्य प्रदेश ने इसको प्रभावी किया था 1 मार्च 1996 को, ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, 1 मार्च 1996 को मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ इसको प्रभावी किया था, है ना, जबकि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 1995 को इसको बनाया था धारा SC ST Act 1989 की धारा 23 की उपधारा के अंतर्गत, है ना। तो इसका ये तो डिलीट ही कर दिया था आयोग ने इसका आंसर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या कि मानसिक यंत्रणा देगा, तो वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा, है ना। तो यदि हम इस पे देखते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा कि किसी जिसकी अवधि जो है तो 6 माह से कम नहीं होगी लेकिन 5 वर्ष तक हो सकेगी, या प्लस जुर्माने के साथ, है ना, यानी कि मिनिमम 6 महीने, है ना, से 5 वर्ष तक के लिए। यहाँ पास ध्यान देने वाली बात बात है कि यहाँ पास ऐसी स्टेट का इस प्रकार के, मतलब जादू टोना डाइन या इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, तो इस तरह जो किस प्रकार, मतलब कि बोला भी जाएगा, इस प्रकार से मानसिक रूप से यंत्रणा भी दी जाएगी सवर्णों के लिए स्पेशल तौर पे है, तो उनके लिए इस प्रकार के, मतलब 6 माह की जेल और या कि 5 वर्ष तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, साथ ही साथ जुर्माने के साथ भी, है ना। तो ये इसका सही आंसर होगा। वहीं हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये जो 1989 है, तो उसमें कितनी धाराएं हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा 23, है ना, इसमें 23 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्न में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, उसका सही आंसर है धारा 10 का। यदि हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करें कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की यदि हम बात करते हैं, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो इसका शुरू का नाम था वो था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, है ना। ये पहले इसको बोला जाता था अस्पृश्यता अपराध, है ना, अस्पृश्यता अपराध एक्ट 1955 था ये, है ना। फिर क्या हुआ कि इसी को, है ना, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को जो है, तो ये जो एक्ट 1955 था, तो इसी को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा, है ना। इसकी जो इलाय पेरूमल समिति 1976 जो थे, तो उनकी इसी की अनुशंसा पर, है ना, ये जो इलाय पेरूमल समिति बनी थी, तो 1976 में ये समिति बनी थी, तो इन्होंने अनुशंसा दी थी, तब इस अस्पृश्यता अपराध एक्ट 1955 का नाम बदल करके इसी को अब क्या कर दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 नाम से जाना जाने लगा है, है ना। तो अब हम देखते हैं कि इस अधिनियम, ये जो मतलब कि 1955 का है, तो उसमें तो सामूहिक जुर्माना तो 10 धारा 10 का के तहत है। यदि हम और इसके अन्य उस पर देखने का प्रयास करें, तो इस इसी में से यदि हम धारा 10 के तहत देखते हैं, तो धारा 10 में इसमें बताया गया है कि अपराध के दुष्प्रेरण पर भी दंड मिलेगा, है ना। अपराध के दुष्प्रेरण मतलब कि, यानी कि अपराध के लिए उकसाने पर किसी को, है ना, उसमें भी दंड के प्रावधान किए गए हैं, तो धारा 10 के तहत इसी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत, है ना। वहीं यदि हम बात करते हैं धारा 14 का की बात की जाए, धारा 14 का में कहा गया है कि सद्भावपूर्वक कार्यवाही पर संरक्षण होगा, वही जो हम लोगों ने भी पिछले उस पर देखा था, है ना, 1989 वाले में, कि सद्भावपूर्वक यानी कहने का मतलब कि एक प्रकार से सही उस पर जो सही जांच प्रक्रिया के तहत जो व्यक्ति, मतलब कि अधिकारी कार्य करता है, तो उसके लिए भी संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं इसमें, है ना। वहीं हम लोग यदि अन्य उस पर देखते हैं कि धारा 14 इसी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 क्या कहती है, तो धारा 14 कहती है कि कंपनियों द्वारा अपराध पर भी एक प्रकार से, वो भी यदि कंपनी अपराध करती हैं, है ना, तो उनमें जो तो पूरे जो साझेदार हैं वो भी दोषी होंगे, है ना, उन पर भी मतलब कि दोष के आरोप लगेंगे, है ना। तो ये इसके मतलब के प्रावधान है। इसी पे यदि हम और भी देखने का अन्य उस पर चलते हैं, तो इसमें जैसे धारा जो 14 का है, तो 14 का हम लोगों ने देख लिया कि सद्भावपूर्वक कार्यवाही के लिए था, है ना। तो इस पे थोड़ा सा इसके हम उस पे देखते हैं कि इसको, मतलब कि इसके सन डेट की बात करें, तो 8 मई 1955 को राष्ट्रपति की अनुमति इसे मिली थी, है ना, 8 मई 1955, ये भी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 8 मई 1955 को जो है तो इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी,
ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है, है ना। तो हम लोगों ने मतलब कि भी देखा भी है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, धारा 14 का, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है, है ना। तो इसमें से हम लोगों ने भी देखा भी है ना। तो कौन सी थी, धारा 14, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है, है ना। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार जो है तो वो था संपूर्ण भारत पे, है ना। ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम बात करें शुरू स्टार्टिंग में जो है तो अभी जैसे जम्मू कश्मीर का 370 और 35A वहाँ से मतलब कि हटाया गया, है ना। तो इसके पहले क्या था कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तब भी जो है तो पूरे भारत पे लगता था, इवन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी ये लगता था, है ना। उसके पहले भी लगता था, अब तो लगता ही है। लेकिन जो एक्ट 1989 था, है ना, SC ST एक्ट 1989 था, वो क्या था कि वो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके फिर पूरे भारत में लगता था, जम्मू कश्मीर में वो नहीं लगता था पहले, है ना। लेकिन अब धारा 370 और 35A के हटने के बाद जो है तो अब जो है तो ये 1989 यानी कि SC ST एक्ट 1989 अब जम्मू कश्मीर में भी लगने लगा है, है ना। यानी कि अब ये भी लगने लगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक अमेंडमेंट ही है इसमें से, या नया इसमें कुछ अपडेट हुआ है SC ST एक्ट में। तो ये भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो है तो इस चीज़ को प्रयास करेंगे कि पूरी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाए, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इस तरह के मतलब क्वेश्चन घुमा करके पूछ भी सकता है कि SC ST एक्ट अब कहाँ लगता है। पहले तो था कि जम्मू कश्मीर में नहीं लगता था तो उसमें छोड़ कर उसको बुलाया जाता था, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में लगता है, है ना। ये सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है, है ना। तो मानव अधिकार संरक्षण के संबंध में क्वेश्चन मतलब कि पूछ रहा है, तो इसमें हम देखते हैं। तो इसके यदि हम क्वेश्चन पे चलते हैं तो इस पर जैसे स्टेटमेंट दिया है कि यह अधिनियम 23 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ, या कि 28 सितंबर 1993, इसकी एग्जैक्ट डेट की बात की गई है, है ना। तो यदि हम इस पर देखते हैं तो इस पर तो इसका जो सही आंसर होगा तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शंस एक्ट 1993 की सही डेट है कि वो इंप्लीमेंट होने की 28 सितंबर 1993, है ना। 28 सितंबर 1993 को ये प्रवृत्त हुआ था, है ना, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पास देखते हैं हम कि कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पदेन अध्यक्ष मतलब पदेन सदस्य नहीं है, तो इस पर भी हम देखते हैं। तो ऑप्शन पे देखते हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष ये तो है, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष ये नहीं होता है, यानी इसका आंसर ये सही होगा। लेकिन यदि हम देखें कौन पदेन अध्यक्ष पदेन सदस्य हैं, तो पदेन सदस्य में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य अध्यक्ष भी सदस्य होता है, वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के भी अध्यक्ष ये हैं, तो पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के, है ना। विधि आयोग का नहीं था, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से मतलब कि होती है, कब तक इनकी पदावधि होती है। तो यदि हम इस पर ध्यान दें तो इसका जो सही आंसर होगा 5 वर्ष तक, या कि 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, है ना। वहीं हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, 180, 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सिविल न्यायालय, मानवाधिकार को इन धाराओं के अंतर्गत सिविल न्यायालय की मतलब की श्रेणी में रखा जाता है, है ना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर जो है तो इसमें से मतलब कौन सा सही होगा, या तो वो स्वयं जांच करेगा, या जांच करने है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर सकेगा, या केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि वो जांच करने है तो संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर सकेगा, है ना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के बाद नियुक्ति उसकी नियुक्ति की जा सकती है, है ना। तो यदि हम इस पे देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो है कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के उस पे, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है राज्यपाल, है ना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोग, है ना, आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है लोक सेवक समझा जाता है अधिकारी, है ना। वहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कि राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है,
है ना। तो राज्य आयोग अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। वहीं हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो सशस्त्र बल की परिभाषा में से शामिल नहीं है राज्य के सशस्त्र बल, बाकी नौसेना, थल सेना, वायुसेना ये शामिल है, है ना। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये था कम्प्लीट MPPSC 2018 का पूरा पेपर एनालिसिस, है ना। तो इतना ही, धन्यवाद।